हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं साइंस कॉलेज को और साथ में साइंस कॉलेज का कैंपस टूर भी करेंगे। एंड इससे पहले भी हमने बिलासा कैंपस को एक्सप्लोर किया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो ज़रूर से जाकर के एक बार चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं GGU में PG, BEd, BPed करने में तो वहाँ एडमिशन का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी डिटेल्ड वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो ज़रूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। तो साइंस कॉलेज एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो साइंस कॉलेज का ये मेन गेट है और लोकेशन आपको नहीं पता है तो आप गूगल मैप में सर्च करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। और ये इसका एंट्री पोर्शन है, जहाँ पर पार्किंग लेफ्ट साइड में और कैंटीन भी उधर ही है, एंड राइट साइड में आपको गार्डन दिखेगा। तो कैंपस टूर तो चलते रहेगा, उससे पहले जान लेते हैं साइंस कॉलेज का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम है EV राघवेंद्र राव PG साइंस कॉलेज बिलासपुर। अब इसको साइंस कॉलेज क्यों कहते हैं, इसकी डिटेल हम आगे वीडियो में जानेंगे, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। एंड लेट्स से हेलो एवरीवन। और ये जो सामने दिख रहा है ये बॉटनिकल गार्डन है, जिसको हम लास्ट में थोड़ा सा दिखाएंगे। और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन अभी तक मुझको यहीं का लगा है, साइंस कॉलेज का। देन तो साइंस कॉलेज जो है अटल यूनिवर्सिटी, जिसको पहले बिलासपुर यूनिवर्सिटी कहते थे, उसी का अफिलेटेड कॉलेज है। एंड साइंस कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में आता है, और गवर्नमेंट कॉलेज पूरा कहना सही नहीं है, ऑटोनॉमस लिखा जाता है इसको, इट मीन्स सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। देन ये कॉलेज जो है रेगुलर है, इट मीन्स आपको रोज़ यहाँ कॉलेज आना पड़ेगा अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो। इट मीन्स 75% जो है अटेंडेंस यहाँ कंपलसरी है, तो आप देख लीजिएगा अगर आप नॉन अटेंडेंस में करना चाहते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। देन अब बात करते हैं कि यहाँ जो है स्टडी के लिए कौन से मीडियम का यूज़ किया जाता है, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो आपको दोनों ही मीडियम मिलेंगे, बट मेजोरिटी जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है, तो जो UG का कोर्सेज है ना वो मैक्सिमम आपको हिंदी में ही मिलेगा, एंड PG के कोर्सेज जो है इंग्लिश में रहते हैं, सभी कॉलेज में रहते हैं। एंड जो बिलासा कॉलेज हमने देखा था वो पूरे गर्ल्स के लिए ही था, बट ये कॉलेज जो है कोएड है, मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। देन यहाँ का जो फाइनल एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सेमेस्टर वाइज है, इट मीन्स एक साल में आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे 6-6 महीने में, और साथ में इंटरनल टेस्ट भी होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका भी नंबर ऐड होता है। ऑल ओवर इसका मतलब बोला जाए तो आप बिलासा कॉलेज में एडमिशन लो या फिर यहाँ लो या फिर GGU में, जितने भी सेमेस्टर वाइज कॉलेज हैं, आप एक बार एडमिशन लेने के बाद कंटिन्यूसली आपका एग्ज़ाम चलता ही रहेगा, वो एंडलेस है, जब तक कि आपका ग्रेजुएशन या फिर PG जो भी आप यहाँ से करेंगे वो कम्प्लीट ना हो जाए। और ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जो आप लोग जुलाई में भी एडमिशन स्टार्ट हो जाए, अगस्त में आपका स्टडी होगा, सितंबर में एक एग्ज़ाम होगा, फिर अक्टूबर में होगा, फिर नवंबर में आपका सेमेस्टर आ जाएगा, इसी तरह से कंटिन्यूसली जो है एग्ज़ाम चलते रहते हैं। तो इससे आप अगर स्टडी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका जो कंटिन्यूटी है वो नहीं टूटता है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम देना होता है और हर एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जितने भी एग्ज़ाम देते हो ना, उस सभी का नंबर फाइनल जो रिज़ल्ट बन के आता है उसमें ऐड होता है। अब देख लेते हैं यहाँ के नंबर आप ऑपरेट कोर्स में से, यहाँ पर आपको कितने सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे, तो मिनिमम 10 है और आप उसको अलग अलग काउंट करेंगे तो और बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ की कोर्सेस, उसमें कितने सीट है और फीस का जो है डिटेल्स चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, बट वो लास्ट ईयर का है 2021-22 वाला, अभी न्यू वाला अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होगा हम लोग आपको नोटिफाई करेंगे, साथ में एडमिशन का भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो सबसे पहले वाला गार्डन था ये उसका ओवरव्यू है। एंड हमने इधर से एंट्री ली थी, अभी हम लोग आगे चलेंगे और आगे के साइड ये जितना पोर्शन दिख रहा है ना, इधर पूरा ऑफिस वर्क है एंड साथ में ऑडिटोरियम है। एंड ये गेट जो है बाहर निकलता है, मेन ऑफिशियली वर्क के लिए ये इस गेट को यूज किया जाता है, बट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट थोड़ा सा बाहर साइड है, मिस कैंपस थोड़ा सा डिवाइडेड है, तो उसको भी कवर करेंगे। देन तो उससे पहले अगर आप यहाँ स्टडी करते हो तो लेट मी कमेंट डाउन कि आप कौन से बैच में यहाँ से स्टडी किए हो और कौन से कोर्स से बिलोंग करते हो। तो यहाँ का ऑडिटोरियम यहाँ से है, तो हम लोग थोड़ा सा इनर व्यू लेते हैं
तो आपको यहाँ आने के बहुत सारे वेस मिल जाएंगे। और इस ऑडिटोरियम की खास बात यह है, जो बाकी मैंने ऑडिटोरियम्स देखे हैं, इसमें बोल सकते हैं ऊपर में भी बैठने की जगह दी गई है। मीन्स ग्राउंड फ्लोर में तो है ही है, लेकिन जो है ऊपर में भी थोड़ा सा और पोर्शन बनाया गया है, तो उसको भी लुक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीटिंग सिस्टम, अभी लॉकडाउन था तो उतना ज़्यादा यहाँ को बोल सकते हैं फर्निशिंग नहीं किया गया है, वो वाला ऊपर पोर्शन वहाँ बैठने की जगह है। एंड इन फ्रंट यहाँ एनुअल फंक्शन वगैरह सब यहीं होता है। तो अब हम लोग चल लेंगे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के साइड, तो उसके लिए इस गेट से आउटर जाएंगे और साथ में बात कर लेते हैं कि साइंस कॉलेज को साइंस कॉलेज क्यों कहा जाता है। एंड अब हम जानेंगे कि साइंस कॉलेज को साइंस कॉलेज क्यों कहते हैं, और अगर आपको पता है तो ज़रूर से कमेंट डाउन कीजिए आपके अकॉर्डिंग इस कॉलेज को साइंस कॉलेज क्यों कहते हैं। तो इस कॉलेज को जो है साइंस कॉलेज क्यों कहा जाता है, हमारे अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ जितने भी स्ट्रीम्स हैं ना बीएससी में एमएससी में, वो सभी के सभी साइंस से रिलेटेड स्ट्रीम हैं। लाइक मैथमेटिक्स के आपको स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी की स्ट्रीम्स माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारे साइंस के स्ट्रीम्स हैं। यहाँ पर आपको बीकॉम या फिर आर्ट्स की जो है क्लासेस नहीं देखने को मिलेंगी, ना ही यहाँ पर उसका कोर्स अवेलेबल है। एंड ये वाला जो गेट देख रहे हो ना, ये खुलता है साइंस कॉलेज के ग्राउंड पर, मीन्स इसको क्रिकेट ग्राउंड बोलते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं। बाकी कॉलेजेस के स्पोर्ट्स भी यहाँ पर मैक्सिमम टाइम कराया जाता है। एंड स्वदेशी मेला भी जो है इसी ग्राउंड पर लगता है। एंड अगर आप मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक या फिर क्रिकेट के फैन हैं, तो आप इस ग्राउंड को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम टाइम क्रिकेट खेलने आते हैं और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, स्कूटी वगैरह सीखने के लिए भी लोग जाते हैं। और अभी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट की साइड पहुंच चुके हैं, और इधर साइड जो है हॉस्टल्स भी है। यहाँ जो है बॉयज़ हॉस्टल तो है ही है, गर्ल्स हॉस्टल भी था, बट उसको ओपन आई थिंक लास्ट ईयर किया गया है, और इस साल का कंफर्मेशन हम लोग आने वाली वीडियोस में करेंगे कि आपको अगर यहाँ के हॉस्टल में फॉर्म भरना है तो उसका कब से स्टार्ट होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन अब बात कर लेते हैं यहाँ की एडमिशन प्रोसेस की। तो जो है एडमिशन प्रोसेस, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, एंड एडमिशन जो है परसेंट बेस पे होता है, 12th के परसेंट बेस पे। मीन्स जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, उसके 12th बेस परसेंट के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग फिर एडमिशन लिया जाता है। एंड ये वाला जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल है। एंड अभी एक और न्यू बिल्डिंग बन रहा है, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है तो ज़रूर से कमेंट डाउन कर दीजिएगा, वो बिल्डिंग में कोर्सेस स्टार्ट होने वाले हैं या फिर गर्ल्स हॉस्टल है। एंड ये वाला जो पोर्शन है, ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कॉलेज में यूजी एंड पीजी का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, तो जितने भी अटल यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं ना, सभी में एक्सपेक्टेड डेट है 15 जून से स्टार्ट हो सकता है। तो सभी कॉलेजेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो थैंक यू एवरीवन, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये कैंपस टूर पसंद आया होगा, साथ में साइंस कॉलेज की डिटेल्स भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी प्ले टाटा, बाय बाय।